ऐसा सब क्या है कुछ पता मदीने का। अभी हमारे हजरत फरिश्ता का माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज है, बेहतरीन आवाज है, सुभान अल्लाह। मेरा ही बच्चा, मेरा ही घर का आपका बच्चा जिसे इतवारी सज्जाद कहते हैं, अभी बड़े प्यारे अंदाज में इन लोगों का गला बिल्कुल दुरुस्त, मेरा गला बिल्कुल गल चुका, मगर आप साथ दे दें तो हो सकता है ये फटहा पास भी आपके साथ में चला जाए। मचल कर कहीं दो सुभान अल्लाह कि ऐ सबा सबब क्या है कुछ पता मदीने से कभी
खुदा से कभी टाली न जाएगी। अरे इश्के गमे हुसैन में आंसू बहा के दे, वाह 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 वाह, इश्के गमे हुसैन में आंसू बहा के दे, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन हक है, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का, हक है, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का, है आरज़ू वहाँ भी मिले दर हुसैन का, है आरज़ू वहाँ भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन, सुभान अल्लाह, जन्नत में बन के जाऊं नौकर हुसैन, मैं नौकर हुसैन का। आज रातें गिरामी, ये मुहर्रम अल हराम का महीना है, आज उसकी 10वीं तारीख लग चुकी है। मैं आपको ज्यादा तफसील में न जाकर एक बार बता देना चाहता हूँ, मौला ये बारिश हो रही तो अपने हबीब का सदके, अपने हबीब के नवासों के सदके में मौला का जो हुसैन का जिक्र हो रहा है, उस हुसैन का वास्ता मौला तू अपना करम फरमा दे, इस बारिश को थोड़ी देर के लिए रोक दो परवरदिगार, हम तो गुनहगार हैं मौला, मगर तुझे तेरे हबीब का वास्ता, इमाम पाक के खून का वास्ता, आज जाने गिराने मोहब्बत के साथ सुना सुना सा, जैसे ये नवी तारीख जिसे नवी मुहर्रम कहते हैं, ये 10वीं तारीख है, जबकि मेरे साथ ने कहा था, अब मेरे साथ ने कहा था हुसैन या तो मैयत के लिए तैयार रहो या तो अपना सर दे दो, हुसैन ने कहा था जान ले दूंगा मगर ये हाथ ना दूंगा, इसलिए कि इस हाथ में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, इस हाथ में सदाकत है, इस हाथ में मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई तमाम अमानतें मौजूद हैं, मगर मैं यजीद को हाथ अपना नहीं दूंगा, मिल्लत इस्लाम या अजीज आने गिरामी, आप जरा अंदाजा करो, यही नबी दसवीं तारीख शबे जो है आशूरा है, आज हम क्या करते हैं, आज हमारी बिरादरी क्या करती है, गली कूचे की ज़ियारत करते हैं, हमारे नौजवान इधर उधर जाने की तैयारी ना करें, वहाँ रोजा देखेंगे यहाँ देखेंगे, मगर आओ उससे के दीवानों जरा आपको एक तारीख बताता चलो, आप तो आपकी तवज्जो है ना, मैं आपसे कहूँगा चाय मत पिलाइए वरना मेरी तकरीर को चाय के साथ में पी जाएंगे, डोरे भाई चाय आप दीजिए मेरी तकरीर के बाद, बड़ी मेहनत से जुमला निकाल रहा हूँ, बंद कर दीजिए, बड़ी मेहनत है सारे काम, अभी बाद में पिला दीजिए, हाँ तकरीब के बाद वो शरबत पिलाइए चाय पिलाइए, तवज्जो है अपनी, है अपनी तवज्जो, मचल कर कह दो या रसूल अल्लाह। हजराते गिरामी, थोड़ा सा आपको मैं तारीख बता रहा हूँ कि आप जरा देखो, इसी रात को जब इब्ने साद ने कहा तो मेरे आका ने फरमाया कि गाजी अफवाद जाओ पूछो क्या चाहते हैं, आकर आप बताते हैं आका कहते हैं या तो यजीद की बैयत कर लो या मरने और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इमाम ने फरमाया ये हाथ, इस हाथ में सब कुछ है, तमाम अमानतें मेरे नाना जान की मौजूद हैं, मैं हाथ तो नहीं दूंगा सर दे दूंगा, हाजी जाने गिरामी आका हुसैन ने फरमाया अब्बास जाओ और जाकर कह दो कि जो है एक रात की मोहलत दे दे, वो कौन सी रात है मुसलमानों, तारीख उठाओ, वर्क वर्कानी करो, पलटो इतिहास करबला, वाकयात करबला की बात, करबला है क्या मुसलमानों, करबला कह देने से करबला समझ में नहीं आएगा, करबला की तारीख पढ़ने से करबला समझ में आएगा, अंदाजा करो, इमाम फरमाए एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दी जाती है, अजीजाने गिरामी आप भी देख लो जो हुसैनी हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के आजीज और करीब हैं, हुसैन के बच्चे हैं, हुसैन की बीवियां हैं, हुसैन की बहनें हैं, हुसैन के साथ में जो औरतें हैं, अल्लाह पर वो तारीख वो रात यही रात मुसलमानों तुम्हारी तरह गर्दिश करने वाली रात नहीं थी, बल्कि हुसैन के चाहने वाले अपने अपने खेमों में इबादत कर रहे हैं, अपने अपने खेमों में अल्लाह वहदहु ला शरीक के आगे अपनी पेशानी झुका रहे हैं, मिल्लत इस्लाम या आका हुसैन ने सबको बुलाया, आका हुसैन ने सबको बुलाया, तमाम अजीज व अकारिब को बुलाया और आप पेशान हो मेरे चालीसारों मेरे चाहने वालों हुसैन से तुमको कोई शिकायत नहीं, यजीद मेरे खून का प्यासा था, यजीद बिल्कुल तुला हुआ है, अपने हाथ को मेरे खून से रंगीन करने के लिए
मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करता हूँ, अगर तुम्हें कोई जाना चाहता है वो चला जाए। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन फरमाते हैं कोई जाना चाहता है वो चला जाए। मैं मैदान महशर में मुस्तफा जाने रहमत से अपने नाना जान से उसकी शफाअत कराऊंगा। किसी के पास जवान बेटी है, किसी के पास जो है एक बच्चा है, किसी के पास उसके घर की जिम्मेदारियां हैं, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं देता हूँ। मेरी तरफ से वो जा सकता है। अल्लाह इतना कहना कि तमाम आपके चाहने वालों की आंखें बरसी हैं और हुसैन के कदमों को पकड़ कर कहा था, आका हम अपने गुजरे गए गुजरे नहीं है, क्या आपके जान से हमारी जान कीमती है, हमारी जान जारी है। दर छोड़ कर भागे नहीं। अरे हम हैं जो सिर्फ खोखला दावा नारा लगाते हैं, इधर उधर चौराहे पे खड़े रहते हैं। अरे हुसैन का दावेदार, हुसैन से प्यार करने वाला चौराहों पे नहीं, गली कूचे में नहीं, बल्कि अपने बिस्तरों को छोड़ कर हुसैन की महफिल में आया। सुभान अल्लाह। हुसैन की महफिल में हजरत ग्रामी जरा तारीख का मुताला करो, पता चलेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेटी के तमाम तर नौजवानों से, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं, सभी इसमें हैं और सबके हुसैन हैं, सभी बराबर। हजरत ग्रामी मैं पूछना चाहता हूँ, सुबह से लेकर अब तक आपने कितनी बार अपने आका को पुकारा, कितनी बार कुरान की तिलावत की है, कितनी बार आपने नमाजों को अदा किया, जरा हुसैन के किरदार को देख। हुसैन आपने जब फरमाया, आपके जानिसारों ने कहा हुजूर आपके जान से बढ़कर मेरे आल औलाद नहीं, मैं आपका वापस आपको नहीं जा आपसे फिर कर वापस नहीं जाऊंगा, जानों को कुर्बान कर दूंगा अल्लाह हु अकबर, इतना कहना था। आप फरमाते मेरे साथियों जाओ अपने अपने खेमे में चले जाओ, आज की रात में वो सदा करो कि तुम्हारी पेशानी से जमीन को लुत्फ मिलता रहे, तुम्हारे जुबान से तस्बीह अदा हो, जुबान जो है लुत्फ हासिल करता रहे। मिल्लत इस्लामिया आका हुसैन ने फरमा दिया, अब हर खेमे में तिलावत कुरान हो रही है, तिलावत कुरान हो रही है, रात की तारीकी है, सब लोग कुरान की तिलावत करते हैं, इतने में हजरत सकीना आती है। सुभान अल्लाह। बेशक आप घबराए तो नहीं, खत्म कर दिया जाए, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। अभी हमारे अल्लामा साहब खिताब बाकी है, आपको सुनना मगर बेदार होता है, जब कोई बड़ा आता है तो छोटे की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम तर लोगों को बेदार कर दिया जाए, होशियार कर दिया जाए, उसे चौकन्ना कर दिया जाए कि अभी किसी के आने का तुम्हें इंतजार रहे। तिलावत हो रही थी, तमाम तर साथी कुरान की तिलावत कर रहे थे, मेरे आका हुसैन भी बैठ कर आज के शब में कुरान पढ़े थे। सुभान अल्लाह। आका पढ़ आपकी लखते जिगर, आपकी शहजादी मेरे आका हुसैन की बेटी हजरत ज़ैनब की बारगाह में आती है। सुभान अल्लाह। हजरत सकीना आती हैं और दामन फूफी को पकड़ती हैं, ज़ैनब के दामन को पकड़ती हैं, अर्ज करती हैं वो फूफी तमाम लोग कुरान की तिलावत कर रही हैं, ए फूफी मैं भी चाहती हूं कि कुरान की तिलावत करो, फूफी मुझे भी कुरान सिखा दो। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं बेटी सकीना, देखा बेटी बैठी लबों से फरमाते बेटी सकीना कहाँ आई हो, क्या मामला है। हजरत सकीना कहती है बाबा जान, मैदाने कर्बला में जितने भी आपके साथी हैं, आपके जानिसार हैं, कुरान अजीम की सभी को तिलावत कर रहे हैं, ए अल्लाह हुसैन आपकी शहजादी भी चाहती है कुरान पढ़ना। सुभान अल्लाह। इतने सकीना जब अर्ज करते हैं कुरान पढ़ 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 बाप की आंखों में आंसू है, बाप ने बड़ी मोहब्बत के साथ बिस्मिल्लाह खानी कराई और सूरह फातिहा का जो आपने इब्तिदा कराया, बाप की आंखें आंखों से बरस रही है, हुसैन की आंखों में आंसू है। हजरत सकीना ने जब देखा पूछा बाबा जान रोने की
हजरत सकीन अब पूछ रही पापा आप रो क्यों रहे हैं, रोने की वजह क्या है? आप फरमाते बेटी इब तेरे कुरान की इब्तिदा तो हुसैन ने कर दी है, बेटी तेरे कुरान के इब्तिदा को तो हुसैन ने कर दी है, तेरे पापा ने तो कर दिया है, मगर मुझे ये भी नहीं मालूम है बेटी तेरे कुरान के इहतमाम कौन करेगा, तेरा कुरान कौन जो है इहतमाम पर लाएगा, बेटी मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह हू अकबर, वो है ये आशूरे की रात। मुसलमानों तो हमने तो ये भी समझा कि सिर्फ जो है इस चौराहे से लेकर उस चौराहे तक, इस गली से लेकर उस गली तक, करतैला से लेकर परसपुर तक, परसपुर से बनवरिया तक जाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं दोस्तों, ये जिम्मेदारियां नहीं है बल्कि आशिकाने रसूल की जिम्मेदारी ये बनती है। बहु बेटियां भी सुन ले, ये चौक चौक कर ज्यारत करना ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अगर गली से फातिमा बनोगी, गली से ज़ैनब बनोगी और इनके किरदार पर अमल करके अपने घरों में मुसल्ला बिछा कर नमाजें पढ़ोगी तो तू तो उनकी रूह तुमसे राजी हो जाएगी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हजरत मिलाली हम क्या समझते हैं? नहीं दोस्तों, हमारा सेवा तरीका हुसैन से मोहब्बत करने का तरीका ये है कि आज के रात में उनके जिक्र को सुना जाए, आज के रात में उनके जिक्र को सुना जाए। हुसैन की महफिल में आने से कई एक फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं और जिम्मेदारियाँ ये बनती हैं कि कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैदान करबला की वो आसूरे की रात है जिसमें हम और आप गर्दिश करते हैं, गर्दिश करने के लिए बल्कि हुसैन और पूरा हजरत गिरामी सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली। हजरत इमाम फरमाते हैं अपने बेटे से, इमाम अली अकबर से फरमाते बेटा जी बाबा हाजिर हूँ। बाप की बारगाह में हाजिर ने कहा बेटा देखो वक्त हो गया है फजर का, अजान तुम कहो। हजरत अली अकबर अजान कहते हैं, उसके बाद में बाप फरमाते बेटा अजान के बाद मैदान करबला की वादी में निकल लेना और जायजा ले लेना, वहाँ देख लेना करबला के हालात को देख लेना, जहाँ जंग होने वाली है कल, जहाँ हमारे खानदान वालों के लाश को बिछाया जाएगा, उनके खून की नदियाँ जो है बहाई जाएंगी। हजरत गिरामी हजरत अब अली अकबर हैं, जाते हैं मुशाहिदा करते हैं तो क्या देखते हैं मुसलमानों, क्या देखते हैं कि उस चटियल मैदान में, उस करबला की वादी में एक खातून जिसके चेहरे पर नकाब है। मेरी तरफ तवज्जो, इस वक्त मुझे ही देखिए, मुझसे बढ़कर खूबसूरत कोई नहीं है। हाँ मुझे को देखिए, है ना सुनने के मूड में मचल कर कह दे या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी आप जाकर देखते कि एक खातून है पर्दे में है नकाब पोश औरत, वहाँ करबला बैठ कर उसके रोने की आवाज आती है, कंकड़ियाँ चुभ रही है। अजीज आने गिरामी हजरत अब अली अकबर जाते हैं, पूछते हैं ए बूढ़ी माँ ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारी क्या जरूरत है? मगर वो खातून कोई जवाब नहीं देती है। आप जब पलट कर आए हैं हुसैन के बारगाह में, हुसैन के पास पहुंचे हैं, आपने कहा बाबा हालात तो मैंने देख ली, मगर बाबा बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने देखा एक औरत एक खातून वहां बैठी रो रही है, आंसुओं का छिड़काव कर रही है और अपने दस्ते अकदस से कंकड़ियां चुन रही है, क्या मामला है? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि हुसैन की आंखें बरसने लगी हैं, हुसैन रोने लगे हैं। हजरत अली अकबर ने पूछा बाबा आप रो क्यों रहे हो? आपने फरमाया बेटा जिसे तुम अजनबी कहते हो वो अजनबी नहीं बल्कि मेरी माँ खातून जन्नत है। ये माँ है प्यारे, माँ है, माँ माँ होती है, माँ को जरा देखो लाल का जो है, माँ कहीं भी रहे बेटा कहीं भी रहे, मिल्लत इस्लामिया अगर बेटा सात समंदर पार रहे मगर वहाँ उसकी तबीयत खराब होती है तो माँ का तबीयत यहाँ घबराने लगता है, उलझन पैदा हो जाती है। माँ का लाल जब बीमार होता है माँ को सुकून नहीं मिलता है। अजीजाने गिरामी माँ माँ होती है, वो दीवानों हुसैन के चाहने वालों और नबी के दीवानों जरा सुनो, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, माँ के रुख्सत होने के बाद
माँ का चेहरा नहीं मिलेगा, माँ के जाने के बाद दुनिया का प्यार तो मिल सकता है मगर माँ का प्यार नहीं मिलेगा। अपनी माँ से मोहब्बत करो, और जिनके पास माँ नहीं है वो तो अब उनकी हर एक बात बात को सोच सोच कर उनको रोना आता होगा, और जिनकी माँ है वो अभी भी अकड़ रहे हैं, माँ को गालियाँ दे रहे हैं, माँ को बुला भरा कह रहे हैं, माँ को माँ का दिल तोड़ रहे हैं। अजीज आने गिरामी, माँ अगर नाराज होगी खुदा तुमसे नाराज रहेगा, रसूल नाराज हो जाएंगे। हुसैन की नाराजगी ना लो बल्कि राजगी लो, और अपनी माँ को खुश रखो मुसलमानों। बात बात पर माँ बाप को लोग गालियाँ भी दे देते हैं, ये चंद दिन की जवानी है तुम्हारी, ये जवानी जो चली जाएगी वापस नहीं आएगी। बेवफा जवानी का एतबार मत करना, बेवफा जवानी का एतबार मत करना, लौट कर ना आएगी इंतजार मत करना, लौट कर ना आएगी इंतजार मत करना, ये जवानी वापस नहीं आने वाली है। हुसैन के दीवानों तुम्हें अर्ज कर रहा था, मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा वो मेरी माँ है, और माँ ऐसी होती है, लाल अगर परदेश में हो या कहीं भी हो, माँ की तबीयत बेटे की तबीयत खराब होती है तो माँ मचल जाती है, माँ बेकरार हो जाती है, कहती है लाओ फोन और मेरे लाल के पास मिला दो। आज मुझे कुछ घबराहट महसूस होती है, शायद मेरे बेटे की तबीयत खराब है, ये है माँ की ममता। ए मुसलमानों, तुम भी इसी तरह अपने माँ से मोहब्बत करो, माँ के पुकारने का इंतजार मत करो बल्कि माँ की खिदमत के लिए उसके पास खड़े रहा करो। इमाम फरमाते हैं अलगर्स मुख्तसर अगर तफसील के साथ बयान किया जाए तो कमा हक कोई भी बयान नहीं कर सकता है। वाकयात करबला हजरत गरामी वो वाकयात वो करबला है। इमाम फरमाते हैं इब्ने साद ने कहा आवाज दी हुसैन भेजो जिसे भेजना है, हुसैन भेजो मेरे मुकाबले में भेजो जो मिल्लत इस्लामिया मौलाए कायनात के शेर हैं। आपने फरमाया अली अकबर जी बाबा मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अली अकबर आए हैं, आप फरमाते हैं बेटा जाओ तैयार हो जाओ। आप जाते हैं खेमे के अंदर और अपनी माँ से फरमाते हैं माँ मुझे दूल्हा बना दो, माँ मुझे सजा दो। आपने फरमाया बेटा क्या कहा, कहा माँ मुझे दूल्हा बना दो, वो दूल्हा नहीं जो शादी वाला दूल्हा, मुझे मैदाने करबला का दूल्हा बना दो, मैदाने करबला पर उनका दूल्हा बना दो, मैं अपने बाबा जान पर अपने नाना जान के दीन पर अपनी जवानी को कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह बेशक 18 साल की जिंदगानी है, 18 साल की करियर जवानी है। मुसलमानों जरा सीने पर हाथ रखकर देखो, जिसका 18 घंटे का बच्चा इंतकाल हो जाता है घर भर उसके जो है सदियों उसका याद मनाया करता है, क्या करते हैं हुसैन तुम्हारी असमतों को सलाम, हुसैन तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम। 18 साल का जवान बेटा करियर जवानी लेकर खड़ा है तेरी बारगाह में। हुसैन ने फरमाया जाओ बेटा तैयार हो जाओ। माँ तैयार करती है अपने लाल पर जो है अमामा शरीफ बांधती है, अपने लाल मुंह से फरमाया बेटा संदूक खोला और फरमाया बेटा कौन से कपड़ा तू पहनना पसंद करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कौन सा कपड़ा, आपने फरमाया माँ देख उस संदूक में सफेद कपड़े तो नहीं है। सुभान अल्लाह सफेद कपड़ा, बेटा सफेद कपड़ा। आपने फरमाया माँ मैंने अपने नाना जान से सुना है, जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा से सुना है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तमाम कपड़ों में सफेद कपड़ा अफजल होता है। मुझे सफेद कपड़ा है माँ, मुझे मेरे लिए सफेद कपड़ा तू निकाल दे। ए माँ मेरे नाना जान की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और तेरे लाल के लिए वो कफन भी हो जाएगा। माँ ने जब सुना बेटा इतना कहता है कि माँ तेरे तेरे बेटे के लिए वो कफन का कपड़ा भी बन जाएगा, माँ के आंखों में आंसू आए गले जा पड़ गया है। बीवियों
को आवाज दे दी, आओ सकीना देख लो, आओ जैनब देख लो। जैनब भी आई है तो अकेले नहीं आई है, बल्कि अपने दो लालों को साथ लेकर आई है और मोहम्मद को लाकर खड़ा कर दिया है। और आप कहती हैं कि आप फरमाती हैं कि आपका बेटा अली अकबर नहीं जाएगा, बल्कि मेरा बेटा औनो मोहम्मद जाएगा, नबी के नाम पर, नबी के निवासों पर अपनी जान को निछावर कर देगा। तब तक हजरत कासिम की माँ भी तशरीफ लाती है और फरमाती है कि सुनो ना कासिम, सुनो ना, तुम्हारा बेटा अली अकबर जाएगा ना तुम्हारे बेटे औनो मोहम्मद जाएंगे, बल्कि इन दोनों से पहले मेरा बेटा कासिम जाएगा मैदान करबला में। हजरत गिरामी तब तक जो है हजरत सकीना गोद में लेकर छह माह बच्चे को आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हजरत गिरामी हजरत सकीना पहुंची है हजरत अली असगर को लेकर और कहा ना आप जाएंगे ना आप जाएंगे, सबसे पहले मेरा ये अली असगर जाएगा। इतने में प्यारे आका आए हैं, इमाम पाक आए हैं। आपने फरमाया बेटा ये ताखीर क्यों हो रही है, आखिर तुम खेमे से निकला क्यों नहीं अर्ज करते हैं बाबा जान, मामला ये है। हजरत मौला हजरत इमाम पाक ने फरमाया बेटा ना कोई जाएगा, ना कासिम जाएंगे ना और ना मोहम्मद जाएंगे, ना अली असगर आ जाएगा, अगर जाएगा तो पहले मेरा बेटा अली अकबर जाएगा। हजरत अली अकबर जब निकलते हैं और जो ही चलने लगते हैं कि बहन सकीना ने दामन पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, बहन सकीना ने दामन पकड़ लिया और कहा अली अकबर, बहन मैदान करबला में जा रहा है, मैदान करबला में तू जा रहा है, जाने से पहले मुझे चलकर दिखा दे। कहा क्यों? कहा जब तू मदीने से चला था, मदीने से निकला था, तेरे चलने से पहले बहन सगरा ने कहा था कि ए अली अकबर तू चल के दिखा दे, इसलिए कि जब अली अकबर चलते हैं तो नबी का किरदार झलकता है, अली अकबर चलते हैं तो नबी का जो है किरदार झलकता है, इसलिए कि वो सभी है पैगंबर है। सुभान अल्लाह, लोगों की तबीयत घबराती है, मुस्तफा जाने रहमत की याद आती है, तो लोग हुसैन के दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं हुसैन अपने बेटे को बाहर निकाल दो, हुसैन मेरी तबीयत जो है घबरा रही है, ज़ियारत मुस्तफा करने जाना चाहते हैं। और जब हुसैन का बेटा अली अकबर निकलता है लोग ज़ियारत करते हैं, अरे चेहरा तो उनका होता है मगर जलवा मुस्तफा का होता है, चलना तो उनका होता है मगर किरदार मुस्तफा का होता है, चलना तो उनका होता है जिस्म तो उनका है मगर नूरानियत मुस्तफा की। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न शहीद करबला, फैसले तारीख शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अरे करबला की धरती से ये सबक मिला हमको, धरती से ये सबक मिला हमको, करबला की धरती से पढ़ लीजिए माशाल्लाह, अल्लाह उस बच्चे के हौसले को सलामत रखे कि करबला की धरती से ये सबक मिला हमको, हर सारी को हम कटा देंगे, कहे के या रसूल रसूल अल्लाह, रब को हम मना लेंगे।
भाई ने चल के दिखाया मिल्लत इस्लामिया अब मैदान करबला का गाजी मैदान करबला के लिए निकल पड़ा है। हुसैन का 18 साल की कमाई जो है निकल पड़ी है, सारे लोग देख रहे हैं, मगर हुसैन का जब वो शहजादा निकला है तो बार बार मदीने की तरफ मुड़कर देख रहा है, बार बार मदीने की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा है। मिल्लत इस्लामिया आप मैदान करबला में पहुंचे हैं, वादी करबला में पहुंचे हैं, तमाम जो है जब आप अकेले तले तनहा जो है करबला के मैदान में खड़े हैं और चारों तरफ से यजीदी फौज लगी हुई है, तरोताजा यजीदी फौज है जो दिन ब दिन खाना पानी सब पाते हैं, मगर कुर्बान जाओ हुसैन के सब्र पर, कुर्बान जाओ हुसैन की इस्तकामत पर। अरे हुसैन बा, तेरी अजमतों को सलाम, तेरे वकार को सलाम, तेरे हिम्मतों को सलाम। अजीदाने गिरामी, 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन है, एक कतरा पानी किसी को नहीं मिला है। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन का लख्त जिगर खड़ा है, कलेजे का टुकड़ा खड़ा है, दिल का चैन खड़ा है, अली का नूरे नजर खड़ा है, मुस्तफा का वो सुकून खड़ा है। अजीदाने गिरामी, हजरत अली अब्बास जब खड़े होते हैं और निकलने से पहले बहन ने कहा था अली अकबर अपने चेहरे पर डाटा लगा ले, अपने चेहरे पर पट्टी बांध ले, कहीं कोई बद नजर की तेरे चेहरे पर नजर न लग जाए। ये बहन हुआ करती है मुसलमानों जो अपने भाइयों से मोहब्बत करती है, ये बहन हुआ करती है जो अपने भाइयों पर आंसू बहाया करती है। अरे मियां तू भी अपने बहन से मोहब्बत करके देख, कभी कभी तो मैंने देखा है, मैंने सुना है, जब किसी की मैयत होती है तो कफन में भाई होता है मगर रोती बहन है और इस तरह से कहती है, ए भाई कफन में तो तू जा रहा है मगर तेरे साथ तेरे बहन की अरमान भी जा रही है। बहन अपने भाई से कितना मोहब्बत करती है इसका अंदाजा वही कर सकता है जिसके बहन हो। ये दुनिया के मुसलमानों, ये मेरे नौजवान साथियों, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते कि अपनी बीवी के सिवा जितनी भी दुनिया की औरतें हैं उनको माँ या तो फिर बहन समझा करो। तुम्हें गैरत तक नहीं आती है, तुम्हें गैरत तक भी नहीं आती, शर्म तक नहीं आती है। नौजवानों, अगर कोई गला काट के भी रख दे फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, रोक लो निगाहों को, रोक लो कदमों को, निगाहें हुसैन पड़ गई तो जिंदगी समर जाएगी, जिंदगी समर जाएगी, और हुसैन की निगाहें गजब अगर पड़ गई तो बर्बाद हो जाएगा। हुसैन की महफिल में बैठे हो नौजवानों, आगे कर लो कि आज के बाद अगर मेरी आंख उठेगी तो सैयद मुस्तफा पर उठेगी, मेरी आंख उठेगी तो दायरे मुस्तफा में उठेगी, और मेरा जुबान खुलेगा तो सैयद के दायरे में खुलेगा। हजरत गिरामी, मैं दावा करता हूँ कि अगर अहल कर लोगे और हुसैन को वसीला बनाकर रब की बारगाह में तौबा करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बुलंद हो बाला बाला बाला। हजरत गिरामी, बहन हो तो ऐसी हो, बहन अपने भाइयों से कितना मोहब्बत करती है, बेकरार हो जाती है। मैदान करबला में जब आपने पट्टी को हटाया है, तमाम तर खड़े हैं, जब चेहरे अली अकबर को देखा है तो तमाम यजीदी चेहरों को फेर लिए। इब्ने साद कैसे कहते हैं, इब्ने साद मैं नहीं जाऊंगा, हम इतने नहीं गिर चुके हैं, नबी के निवासों से तो हम लड़ सकते हैं मगर मुस्तफा जाने रहमत से हम जंग नहीं कर सकते। मगर वो जागता था इसलिए कि वो एक सहाबी का बेटा था। अभी साद ने कहा कि सुनो, ये मुस्तफा नहीं बल्कि ये हुसैन के बेटे हैं, ये सभी एक पैगंबर हैं, इनकी सूरत मुस्तफा जाने रहमत से मिलती है। हजरते गिरामी, वो मुस्तफा जाने रहमत है, ये सभी है पैगंबर क्यों हैं आप जरा सुनना चाहेंगे। इमाम पाक की जब शादी होती है, शहरबानों के साथ में निकाह होता है, मेरे मुस्तफा रोए हैं, मेरे मुस्तफा आंसू बहाए हैं, मेरे मुस्तफा, मेरे जो हुसैन रोए हैं, मेरे हुसैन जो है आंसू बहाए हैं, आंसू बहाते बहाते आपकी आँख लगी है, मुस्तफा जाने रहमत की तशरीफ आई है। वो फरमाया, बेटा तुझे मालूम नहीं है तेरे रोने से तेरा नाना बेकरार हो जाता है, तेरे रोने से तेरे रसूल को तकलीफ होती है, हुसैन तुझे मालूम नहीं है। अर्ज करते हैं नाना जान, जब कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी खुशी की बात होती है या गम की बात होती है तो लोग अपनों को याद करते हैं और अपने अपनों की याद में लोग रोया करते हैं। जब मैं दूल्हा बना था तो मुझे याद आया था, काश मेरी माँ तैयबा ताहिरा खातून जन्नत होती, आज मैं दूल्हा बना था, काश
काश मेरे नाना जान मेरे सामने होते। हजरत गिरामी आपने फरमाता बेटा उसकी कोई वजह हो सकती है? आपने फरमाता हाँ हाँ, नाना जान मेरे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह ताला आपके जो है आपको उसमें एक बेटा अता फरमा दे। रब्बे कायनात की बारगाह में मेरे आका ने दुआ किया था शबीहे पैगंबर को, रब्बे काबा ने उसे उनकी छोली में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इस्लाम जो देख रहे हो, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने। और इस्लाम की रगों में जो चुभ रहा था बार बार, कह दो इसे वाले भी इधर वाले भी बोल दें, इस्लाम की रगों में जो चुभ रहा था बार बार, कांटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने, कांटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। हजरत गिरामी वो अली अकबर हैं, जब मैदान करबला में गए तो यजीदियों ने जब इतना कहा, इब्ने सार ने कहा नहीं जवानों, ये तुम नहीं जानते, ये सभी है पैगंबर हैं, हुसैन के लखते जिगर हैं, ये अली के बोते हैं, हुसैन जो है हुसैन के लखते जिगर हैं, और इनसे जो जंग करेगा, इनसे जो मुकाबला करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो वो लालची तो पहले के थे, दरमो दिरहम दिरहम पर बिकने वाले लोग थे। जब इनाम सुनते हैं मिल्लत इस्लामिया आपके सामने यजीदी निकलता है, एक तारीख में मिलता है कि आपने 31 यजीदी को जो है फिनारे जहन्नम किया था, दूसरी तारीख में मिलता है कि आपने 40 यजीदी को फिनारे जहन्नम में किया था। तने तनहा हुसैन का बेटा अपनी अपनी जो है तलवार का जब जौहर दिखाया है, वह अकेला नहीं था। अरे जब मुस्तफा जाने रहमत के निवास है अली अकबर जो है तलवार चला रहे थे, तो तलवार को अली अकबर चला रहे थे, मगर जलवा अली का नजर आ रहा था, तलवार को सभी है पैगंबर का जो है चला रहे थे, मगर उसमें किरदार मुस्तफा जाने रहमत का नजर आ रहा था। अल्लाह 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 आपको जो है कोई यजीदी अब हैरान में है, तमाम यजीदी हैरान में है कि इमाम अकबर को कैसे शहीद किया जाए, इन्हें कैसे मारा जाए, सारे लोग परेशान हैं। तब तक ये यजीदी कहता है इब्ने साद मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम उसे जो है करके बता तो मैं दूंगा, मगर करना तुम्हें होगा। उसने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? हजरत इमाम अली अकबर के बारे में उसने कहा कि देखो इस बच्चे का कुछ जो है बार बार कुछ पीछे मुड़ के देखता है, लगता है इसका मदीने में कोई कीमती चीज गुम हो गया है, कोई कीमती चीज रह गई है, कोई इसका अपना वहां रह गया है, इससे जाओ पूछो कि मदीने का रास्ता किधर है, इससे जब तुम इसे पूछोगे तो ये उसमें खो जाएगा, ये उसमें सोचने लगेगा, इसकी हाथ रुक जाएगी, इसका तलवार रुक जाएगा, और तुम एक बेहतरीन निशानेबाज को जो है मुकर्रर कर लेना, जो सिर्फ जो है फौरन इन पर वार कर दे, तभी इनसे मुकाबला किया जा सकता है। मुसलमानों अंदाजा करो शेरे खुदा शेरे खुदा के शेर को कि तने तनहा अली अकबर है, मगर तमाम यजीदी खौफ आए हुए हैं, अल्लाह हु अकबर। अरे मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था, खुदा बंदे कुद्दूस को कुछ और ही मंजूर था, वरना एक 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 यजीदी बचकर नहीं जाता, सारे यजीदी मार दिए जाए, मार दिए जाते, उनके बच्चे यतीम हो जाते, औरतें बेवा हो जाते। हजराते गिरामी जब एक यजीदी पहुंचा, पूछा ये बताओ कासिम, ये बताओ अली अकबर की मदीने का रास्ता किधर है? अल्लाह अकबर, इतना कहना था कि आपकी आंखें बरसी हैं, आपकी आंखें बरसी हैं, आप मदीने के तरफ रुक किए हैं, और आपके दिल में ये सोच पैदा हुआ था कि बाबा जान जब मदीने से चलने लगे थे तो बहन सोगरा से कहा था कि ए बहन सोगरा, तुझे तेरा भाई अली अकबर 7 मुहर्रम को लेने आएगा, और मैं जो है मुहर्रम के 10वीं तारीख को मैदान करबला हूं। ए बहन सगरा, अब तेरा भाई अली अकबर तुझे लेने नहीं आ पहुंचेगा, इस ख्याल में मेरे आका हो जाते हैं, इस सोच में मेरे आका अली अकबर हो जाते हैं। इतने में एक यजीदी जिसका सनान नाम था, इसने जो है आप पर वार कर दिया, और ऐसा वार किया मुसलमानों की आपके सीने में लगता है। अल्लाह हू अकबर।
मेरे आका हुसैन, मेरे आका अली अकबर के सीने से लगता है, आपके कलेजे को फाड़ता हुआ पार हो जाता है। फौरन आप घोड़े से जमीन पर गिरे हैं और घोड़ा अपना कदम आगे बढ़ा चुका था मिल्लत इस्लामिया, मगर उसने जब देखा कि जो मेरा आका मुझ पर सवार था वो नीचे है, मैं आगे निकल चुका हूँ। घोड़ा पलटा है और हुसैन घोड़ा पलटा है, अली अकबर के कानों से अपना जो है सर रखता है, अर्ज करता है, आका आप अगर कहें तो मेरे पीठ पे सवार हो जाए, हम आपको मदीना पहुंचा देंगे, अगर आप कहें तो हम खेमे हुसैन तक पहुंचा देंगे। मगर प्यारे अली अकबर ने जवाब दिया था, ए जाहे घोड़ा सुन, मैं जो है अपने ना अपने बाबा जान पर अपने जान को निछावर किए बगैर मैं कैसे खेमे में पहुंच जाऊंगा। जमीन पर आए हैं, अपने बाप को पुकारा है, मेरे आका हुसैन को पुकारा है, मेरे आका हुसैन को पुकारा है। हजरत इमाम हुसैन जब बेटे की आवाज को सुनते हैं मुसलमानों, आप दौड़ते हुए मैदान करबला में पहुंचे हैं, फरमाते हैं बेटा अली अकबर तुम किधर हो, तुम कहाँ हो? आवाज देते हैं बाबा जान मैं वहां हूँ जहाँ पर खातून ने जन्नत कंकड़ियां चुन रही थी। बाबा जान मैं वहां हूँ, मेरे मेरे आका पहुंचे हैं, अपने बेटे का अपने लखते जिगर का सर अपने जानों पर रखते हैं। मिल्लत इस्लामिया है कोई ऐसा कलेजा जो अपने लाल को इस तरह से देख सके? है कोई ऐसा जो है कलेजा जो अपने बेटे को मियां, अरे बच्चे पर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग बरसों रोया करते हैं, बरसों याद मनाया करते हैं, मगर हुसैन के सब्र का इम्तिहान तो देखो, हुसैन के वकार को सलाम, हुसैन की अजमतों को सलाम। अर्ज करते हैं बाबा जान जो ये नेजा लगा है बहुत दर्द करता है। बाप से कहते हैं मेरे बाप, ए बाबा जान ये जो नेजा लगा हुआ है, बाबा साहब बाबा जान ये नेजा बहुत दर्द करता है, ए मेरे आका इस नेजे को आप निकाल दीजिए, इसे बाहर कर दीजिए। अल्लाह हु अकबर। बाप से जब इतना कहते हैं आका हुसैन ने फरमाया बेटा ये नेजा इस पार से उस पार है, कहीं इसको निकालने में तेरे जुबान से आह में निकल जाएगा, और मेरा रब बेनियाज है, कहीं हमारी तेरी कुर्बानी को रद्द ना फरमा दे, मुंह पे ना मार दे। आप मुस्कुराने लगे, अली अकबर मुस्कुराए, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आका मुस्कुराए हैं, आपने फरमाया बाबा एक कुर्बानी मैदान मीना में हुई है, हमारे जद्दे अमजद ने बेटे पर छुरी चलाई है तो बेटा जो है उफ्तर नहीं किया है, और एक कुर्बानी मैदानी करबला में हो रही है। बाबा आप फिक्र ना करें, हम तो नबी के घराने वाले हैं, इंशाल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह हु अकबर। अब बाप है कहता बेटा जबान को अपने दांत से दबा ले, कहीं आह ना निकलने पाए। हजरत इमाम पाक एक हाथ से नेजा पकड़ते हैं, एक जानो खड़े करते हैं मिल्लत इस्लामिया, और जब आप निकालना शुरू करते हैं तारीख बताती है मुसलमानों की जमीन कांपने लगती है, जमीन थरथराने लगती है, आवाज देती है हुसैन तू तो हुसैन है, हम जमीन है, ये आलम है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हुसैन ने फरमाया ये जमीन तो सुन ले, मेरा बेटा राजी है उन्हें निकलवाने में, तो उसका बाप राजी है निकालने में, तू कौन होती है? जमीन पर हुसैन ने हाथ मारा है तो जमीन जो कांप रही थी ठहर जाती है। अल्लाह हु अकबर। आपने जब लाल के सीने से नेजे को निकाला है तो प्यारो सिर्फ नेजा नहीं निकला है बल्कि नेजे के साथ में अली अकबर का कलेजा भी निकल गया, अली अकबर का कलेजा भी निकल गया है। ये है तारीख करबला, ये है करबला। आओ करबला क्या है सुनो मुसलमानों, अजीदाने ग्रामी आपने तलवार निकाली वो नेजा निकाल दिया है। अब फरमाते बाबा सुबह से शाम हो गई है, लाशों को उठाते उठाते आप तो थक गए हैं, मेरा बोझ कैसे उठा पाएंगे? आप फरमाते बेटा मैं उठा लूंगा मगर तुझे मेरा साथ देना होगा। बड़ी तेजी के साथ सुने, पानी भी आ रहा है, हजरत की तकरीर भी बाकी है। हजरत ग्रामी आप फरमाते बेटा तुझे मेरा साथ देना होगा। कैसे बाबा? साथ ये देना होगा मैं तेरे लाश को लेकर चलता हूँ, तुझे कुरान पाक सुनाना होगा। सुभान अल्लाह। एकत्र करने वालों नौजवानों सुनो, मेरे आका हुसैन फरमाते बेटा तुझे कुरान पढ़ना होगा। हुसैन के कंधे पर 18 साल बेटे की लाश है मगर बाबा को कुरान पढ़ा रहा वो जो सुना रहा है वो बाबा जान जिन्होंने जिंदगी भर कुरान की तालीम दी है, आज अली अकबर उनके कंधे पर सवार होकर बाबा को कुरान पढ़ा रहे सुना रहे हैं और सूरह रहमान पढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में आपकी आवाज
खामोश हो जाती है, मेरे इमाम समझ जाते हैं मेरा लाल शहीद हो चुका है, इनके जो है इनकी रूह परवाह कर गई है। मगर हुसैन हुसैन तेरे अजमतों को सलाम, हुसैन लाश को रखते नहीं है, आवाहो पकड़ा नहीं करते हैं, बल्कि मेरे आका अली अकबर ने जहां से कुरान को छोड़ा था इमाम फौरन वहीं से तिलावत करना शुरू कर देते हैं। ये है करबला, ये है तारीख है करबला। ए नौजवान साथियों, अगर करबला वाले की मोहब्बत चाहते हो तो अपने आप को बदलना होगा, करबला वालों की मोहब्बत चाहते हो तो पेशानियों को सजदों से सजाना होगा, मस्जिदों को आबाद करना होगा। कत्ले हुसैन असल मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों मैं अपनी गुफ्तगू